हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सेवेंथ एक्सरसाइज सेवन पॉइंट नाइन कम्प्लीट अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम से देख सकते हैं वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा

हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या करना है जो हमने सीखा है अलग एक्सरसाइज से में हम क्या करते थे हम हम जो लिमिट लिमिट दी होती थी की तो वो में में ही पुट करते थे, लिमिट चेंज नहीं करते थे थे चेंज नहीं इस एक्सरसाइज हमने नया क्या सीखा था कि हम जब इसको टी पुट करते हैं तो एक्स की लिमिट हम टी में लेकर आते हैं कैसे करते हैं वो चलो स्टार्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा सबसे पहले तो हमें देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को टी पुट करती हैं तो उसकी डिफ्रेंसिएशन ऊपर पड़ी है है ना कैसे देखो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टी सो इसको डिफ्रेंशिएट करो ये हो जाएगा टू एक्स ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स यहां एक्स डीएक्स है तो क्या करेंगे टू को नीचे ले आएंगे एक्स डी एक्स इधर आ जाएगा ये हो जाएगा डी टी बाई टू ठीक है तो हम क्या करते थे अभी तक हम सेवन पॉइंट तक यही करते थे कि अब हम वैल्यू पुट कर देते थे इस तरीके से मैं देती आपको यहाँ एक्स डी एक्स की जगह पे लिखते थे डी टी टू तो डी टी बाई टू वन बाय टू बाहर आ गया इसकी जगह पे हो गया टी ये सब पुट करते थे फिर हमारा आंसर आता था फिर हम टी की वैल्यू पुट करते थे उसके बाद लिमिट लगाते थे है ना लेकिन अब हम यहाँ पर लिमिट चेंज कर देंगे हम यहाँ पर लिमिट जीरो वन नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि ये टी है ठीक है तो वो तो लिमिट जीरो की थी ये लिमिट किसकी आएंगी टी की आएंगी तो टी की लिमिट कैसे निकालेंगे तो यहाँ हम लिमिट्स निकालने वाले हैं लिमिट्स के लिए देखो वेन एक्स जो था जीरो था जब एक्स जीरो था तो जीरो था तो टी की वैल्यू देखो इसमें से निकालो जीरो का स्क्वायर प्लस वन तो टी की वैल्यू कितनी आ गई वन ठीक है, दे रखे ना अपर लिमिट, अपर लिमिट थी, तब अब यहां पर one put करके देखो one का प्लस तो 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 की 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 कितनी आ टू. तो lower limit t की आ one, और upper limit t की आ गई 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 और इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाली है ओके आगे देखो वन बाय टू एज इट इज वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log मोड टी और लिमिट्स क्या है लोअर uh, अपर अपर लिमिट वन तो अब टी के अंदर लिमिट्स पुट कर दो तो ये हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है यहां आपको एक चीज पता होनी चाहिए लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो तो ये तो हो जाएगा जीरो तो क्या बचेगा आपके पास वन बाय टू लॉग टू दिस इज योर आंसर ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकंड तो अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड ये इम्पोर्टेंट है ध्यान से देखेंगे कैसे करना है इसको अब लिमिट है यहाँ पर ये देखो फाइव की लिमिट से रखी है आपको अब यहाँ पर जीरो पता चल रहा है कि ये है अंडरूट साइन फाइव और ये है कॉस फाइव की पावर फाइव तो इस तरीके से तो अगर मैं इसको सब्सिट्यूशन चेक करती हूँ ठीक है कॉस्ट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस का साइन लेकिन यहाँ पे रूट रूट में है तो नहीं पुट कर सकते साइन की डिफ्रेंसिएशन होती है होती है लेकिन यहाँ हम भी नहीं कर सकते क्योंकि की पावर है है ना तो क्या करेंगे हम इसको अब हम इसको थोड़ी सी सॉल्व करेंगे पहले कैसे सॉल्व करेंगे हमें कॉस फाइव नहीं चाहिए हमें कॉस चाहिए तो हम इसको ना तोड़ लेंगे कैसे तोड़ लेंगे इसको हम लिख लेंगे कॉस फोर फाइव इंटू कॉस फाइव डी फाइव तो चलता ही आ रहा है अब कॉस फोर फाइव को हम लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर स्क्वार का स्क्वायर लिख सकते हैं जी बिल्कुल उसके बाद कॉस स्क्वायर स्क्वार को हम लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक कॉस चाहिए है ना तो साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर स्क्वार का स्क्वायर और ये आ गया कॉस स्क्वारी अब हम नॉर्मली साइन फाइव को टी पुट कर सकते हैं क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस फाइव डी फाइव पड़ा हुआ है राइट तो अब कर दो यहाँ पर पुट साइन फाइव तो का डिफरेंसिएशन कॉस फाइव दिस इज डी टी बाई डी फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस फाइव डी फाइव टू डी इसकी जगह पे हम लिख देंगे dt, और इनकी जगह पे लिमिट तो तो जब फाइव की जीरो थी तो यहाँ हम पुट करो साइन जीरोक्वल्स टू टी तो साइन जीरो की भी वैल्यू कितनी होती है जीरो तो टी की भी वैल्यू कितनी आ गई जीरो नेक्स्ट When phi equals to pi by 2 है, तो यहाँ पे पुट करो साइन पाई बाई टू कितना होता है साइन नाइन टी की वैल्यू कितनी आ गई पे पुट कर दो लिमिट्स के साथ तो टी की जीरो पे जीरो पाई बाई टू पर वन अब यहाँ पे पुट कर दो ये हो गया रूट टी यहां आ गया वन माइनस टी स्क् का स्क्वायर और कॉस फाइव डी फाइव की जगह क्या आ गया डी टी अब देखो इजी हो गया क्वेश्चन तो कैसे करेंगे ये हो जाएगा टी की पावर वन बाय टू इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कर दिया ठीक है अब टी वन बाय टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा टी वन बाय टू प्लस फोर प्लस वन बाय टू कितना होता है सिक्स बाय टू है ना सिक्स बाय टू और यहाँ माइनस टू टू प्लस वन बाई टू कितना आपका तो टी की पावर फाइव बाई टू और ये हो गया डी टी थी। ठीक है अब देखो सब पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला सिंपल टी की पावर एन वाला क्या होगा टी की पावर एन प्लस वन अपॉन बी एन प्लस वन ये लगेगा फॉर्मूला तो लगा दो सबके अंदर तो ये हो जाएगा आपका t की पावर n प्लस, प्लस वन अपॉन में n पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस टू टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और सबकी लिमिट क्या है जीरो टू तो वन ये लिमिट है ठीक है तो चलो सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा वन प्लस टू थ्री बाय टू नीचे भी थ्री बाय टू येगावन बाय टू जीरो टू वन ये हो गया टू बाय थ्री टी की पावर थ्री बाय टू प्लस टू बाय इलेवन टी की पावर इलेवन बाई टू ये ऊपर जा जाएगा ये हो जाएगा माइनस फोर बाय सेवन टू टू सावन बाई टू और लिमिट आ गई आपकी जीरो तो वन की पावर सेवन बाय टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब किसी में भी हम जीरो पुट करेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा जो मर्जी वैल्यू हो तो यानी कि ये पोर्शन तो सारा जीरो हो गया आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है ठीक है तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करके कोई वन की कोई भी वैल्यू तो वन ही होता है तो क्या बचा टू बाय थ्री प्लस टू बाय इलेवन माइनस फोर बाय सेवन ये बचा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका हम जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा थर्टी थ्री थर्टी थ्री इंटू सेवन वन कैरी ओवर टू 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 ठीक है फिर इसको इससे सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा वन फिफ्टी फोर प्लस फोर्टी टू माइनस वन थर्टी टू ठीक है ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा सिक्सटी फोर अपॉन टू थर्टी वन टू थ्री वन आएगा टू थर्टी वन दिसर तो बस आपने इसका क्या लिया है एलसीएम लिया है और उसके बाद फिर आपने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सॉल्व करके आपका आंसर आ टू थर्टी वन तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है अब आपके पास अः आपको दे रखा है जीरो टू वन साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पर भी हमें पता ही है कि हमने सब्सटीट्यूशन ही यूज करना है अगर सब्सटीट्यूशन अगर ना भी बोला होता तो भी देखो हम यहाँ पे क्या सॉल्व कर सकते थे क्या पुट क्या कर सकते थे तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ तो साइन वर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे लेकिन हमने ना फॉर्मुलाज पढ़ रखे हैं है ना क्या फॉर्मूला पढ़ रखे हैं हमने अगर यहाँ पे यहां पे, जहां पे हमने साइन टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या होता है ये पढ़ रखा है हमने तो अगर एक्स की जगह पर टेन होता तो साइन वर्स साइन खत्म हो जाता ये चीज बन जाती तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे ही इसको प्रोसीड करेंगे तो शुरू करते हैं Put, X is equal to tan theta, क्योंकि ना ऑलरेडी तो हम यहाँ पे करेंगे इसको तो चलो बाद में पुट कर देंगे बट उससे पहले अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहां क्या मिलेगा मुझे ये तो हो जाएगा वन और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एक्स। और का करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स होगा क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स हो गया आपका ठीक है तो एक्स की जगह तो हम ये पुट कर लेंगे ठीक है और इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे बट अब लिमिट की भी तो बात कर लेते हैं ना लिमिट्स के फॉर्म में सो अगर लिमिट्स की फॉर्म की बात करते हैं हम तो वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो

और इसकी जगह पे क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ठीक है अब ये क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाय फोर साइन इनवर्स ई किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ठीक है अब देखो साइन इनवर्स से साइन खत्म क्या बच गया आपके पास सिर्फ टू थीटा थेटा थेटा. अब टू है, वो तो आ जाएगा. अंदर क्या डी थीटा अब देखो यहाँ पर ये यह आ गया आपके पास टू फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे क्या बनेगा इंटीग्रल्स बाय पार्ट लगने वाला है यहाँ पर है ना यूजिंग बाय पार्ट्स आ जाएगा यहाँ पे कि अब ये क्या है फंक्शन हो जाएगा आपका आईलेट यूज करेंगे है ना तो आईलेट के अंदर ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा हो गया अल्जेब्रिक फंक्शन तो ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने तो ये यू डॉट वी आ गया आपका है ना तो याद करिए यू डॉट वी हमने कैसे किया था कैसे होता है यू इंटीग्रेशन बी डी एक्स लिखते हैं माइनस यू इंटीग्रेशन बी डी एक्स लिखते हैं फिर ये डी बाई डी एक्स होता है और इसका हम करते हैं कंप्लीट का इंटीग्रेशन ये ही मैंने याद करवाया था आपको बस इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अब हमने इसको सॉल्व करना है ठीक है तो यहाँ पर है टू तो बाहर है ही जीरो टू पाई बाई फोर है थीटा थीटा डी थीटा अब करो दिस इज यू एंड दिस इज वी u and this is v minus फिर से d by d theta of theta और ये हो जाएगा आपका secant square d theta का whole d theta ठीक है तो secant square का integration direct क्या होता है tan theta यहाँ पे theta आएगा tan theta minus d theta d theta खत्म इसका integration क्या होता है tan theta तो tan theta का integration d theta और बाहर क्या चल रहा है बाहर चल रहा है टू चल रहा है ठीक है माइनस अब व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेकेंड के अंदर लिख सकते हैं क्या होता है लॉन्ग मोड सिकेंड थीटा होता है ये मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है ठीक है और माइनस लॉग मोड कॉसिकंड थीटा होता है ये भी मैंने करवाया हुआ है ठीक है और लिमिट्स क्या है जीरो टू पाई बाई, बाई फोर तो लगा सकते हो जीरो टू पाई बाई फोर जीरो टू पाई बाई फोर राइट तो लगाते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं बाहर तो टू है ही ऑलरेडी ये हो जाएगा पहले पाई बाय फोर इन टेन पाई बाय फोर माइनस लॉग सिकंड पाई बाय फोर ये हो गया अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट जीरो टेन जीरो माइनस लॉग सीकेंट जीरो की वैल्यू कितनी होती है रूट टू रूट टू ठीक है और यहां आएगा माइनस जीरो जीरो टेन जीरो जीरो माइनस लॉग सीकेंट जीरो होता है वन वन ठीक है एंड वेरी इंटरेस्टिंगली लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है सॉरी लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो तो ये टर्म तो खत्म ही हो गई क्या बची सिर्फ आपके पास ये टर्म बच गई तो ये आ जाएगा आपके पास टू पाई बाय फोर माइनस इसको हम लिख सकते हैं लॉग टू की पावर वन बाय टू लिख सकते हैं है ना और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पता है कि लॉग एम की पावर एन क्या होता है एन लॉग एम होता है है ना? तो वन बाई टू हम आगे भी ला सकते हैं तो ये टू तो बाहर चलता ही आ रहा है अब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये टू इंटू पाइव बाय फोर माइनस टू इंटू वन बाय टू लॉग टू तो इसको कैंसिल किया इसको इससे कैंसिल फाइनल आंसर इज फाइव बाई टू माइनस लॉग टू इज योर आंसर तो देखो इसके अंदर कितना कुछ लगा है सबसे पहले तो देखने से फॉर्मला हमने लगाया फिर हमने डी एक्स किया फिर लिमिट चेंज करी वैल्यू पुट करी फिर यहाँ पर यू डॉट वी भी लगा है तो यू डॉट वी लगाया उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम देख पा रहे हैं जीरो टू टू एक्स रूट x प्लस टू है ठीक है तो देखो इसके अंदर हम कैसे करते हैं देखो x प्लस टू को अगर मैं सिर्फ t पुट करती हूँ तो उसकी डिफ्रेंसीशन तो आएगी नहीं उसकी तो सिर्फ वन होगी x नहीं होगी लेकिन अगर मैं रूट को करती हूँ डिफ्रेंशिएट पूरी डालती हूँ रूट के अंदर डालती हूँ तो हो सकता है कैसे हो सकता है ध्यान से देखना पुट ये हो जाएगा <coughs> रूट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी ठीक है या तो ऐसे करो x प्लस टू को टी स्क्वायर पुट कर लो या फिर ये करो एक ही बात है ठीक है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ यहाँ पर dx है ना अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो क्या होगा x की पावर n है ना तो यहां पर देखो एक मिस्टेक क्या है अगर हम ये पुट करते हैं ना मैं आपको मिस्टेक भी करके दिखाती हूँ अगर हम ये पुट करते हैं तो क्या होगा ये x की पावर n है ठीक है तो एक्स की पावर एन क्या होगा एक्स की पावर एन ठीक है ये होता है ना डी एक्स की पावर एन दिस इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन है ना तो ये हो गया एन वन बाई टू और एक्स की पावर एन माइनस वन ठीक है तो ये हो गया वन बाई टू माइनस वन और इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 1 का तो 1 ही हो जाएगा तो यहाँ देखो इसका करेंगे d t by d x का यहाँ देखो क्या आएगा यहाँ आएगा सॉल्व करके minus 1 by 2 minus 1 by 2 का मतलब 1 by 2 into root में 1 upon root में x plus 2 बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना सो दिस इज द रीजन कि हम root x plus 2 को t पुट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसी वजह से देखो गलती से ही हम पहुंचते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है ठीक है तो अगर हम ये करते तो ये वन अपॉन में रूट पहुंच जाता जो तो यहाँ पर था ही नहीं तो इसलिए हम ये चीज पुट करेंगे ठीक है तो अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन फोर्थ तो अब हम पुट करेंगे पुट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का तो हो जाएगा वन इसका हो जाएगा जीरो इसका क्या होगा एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस और डी का फिर से करेंगे डी के साथ ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू टू टी डी आ जाएगा ये आ गया तो डी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे हम टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना व्हाट अबाउट एक्स एक्स की जगह पे हम ये लिखतेंगे देंगे एक्स इज इक्वल टू टी है ना एक्स की जगह पे तो हम ये पुट कर देंगे एक ही बात है लेकिन लिमिट भी तो अब हमें चेंज करनी है सो so लिमिट्स का भी देख लो सबसे पहले तो वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो जब जीरो है तो टी कितना आएगा ये यह यहां से देख लो ये यह यहां से देख लो टी कितना आएगा जीरो प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर तो टी कितना आएगा आपके पास यहां पर रूट टू आ जाएगा टी राइट रूट टू एंड नेक्स्ट वेन एक्स इज इक्वल्स टू टू है है तो क्या होगा टू प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर दैट इज फोर टी स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा टू आ जाएगा अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम हम प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे तो यहाँ माइनस भी तो आ सकता है याद रखना नीचे वाली हमेशा छोटी लिमिट होती है और ऊपर वाली हमेशा बड़ी लिमिट होती है तो यहाँ हम प्लस टू वाला लेंगे ठीक है चलो आगे चलते हैं अब तो अब ये सब वैल्यूज हम यहाँ पुट करने वाले हैं तो देखो कैसे करेंगे जब एक्स जीरो था तो टी आया रूट टू जब एक्स टू था तो टी आया टू अब यहाँ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे टी स्क् माइनस टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट के अंदर है ना तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का टी स्क्वायर था जब हम इसका रूट कर देंगे तो इसका भी रूट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा सिंपल टी और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा टू टी डी टी ठीक ठीक है 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 अब अब बाहर आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर फोर माइनस टू स्क्वायर अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मुला लगने वाला है आपका कौन सा आ, ये होता है ना डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी की पावर uh, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन डी क्या होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वो हम करने वाले हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा टू तो बाहर ये हो जाएगा टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टू टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एंड लिमिट इज फ्रॉम रूट टू 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 तो ये हो गया टी की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस का क्यूब अपॉन एंड लिमिट इज फ्रॉम रूट टू टू तो ये हो जाएगा टू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे ठीक है टू का क्यूब अपॉन थ्री अपर लिमिट ओके माइनस लोअर लिमिट रूट टू की पावर फाइव अपॉन फाइव रूट टू की पावर थ्री अपॉन थ्री ये हो गई लोअर लिमिट अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास टू तो बाहर है ही

रूट टू अपॉन हाँ अपॉन थ्री आ गया ठीक है आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर फिफ्टीन ये हो जाएगा आपका माइनस इसका भी एलसीएम ले लेते हैं और ये आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया आपका सिक्सटीन माइनस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का एट रूट टू और बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस का एट रूट टू अपॉन फिफ्टीन यहां से आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो ठीक है बाहर टू है ये हो गया आपका फिफ्टीन दिस इज सिक्सटीन प्लस एट रूट टू राइट और जब आप इसमें से कॉमन लोगे एट रूट टू दोनों में कॉमन आ रहा है और बाहर टू भी है तो अंदर क्या बचेगा यहाँ आ जाएगा आपका एट रूट टू अगर कॉमन रहे हो, तो यहाँ बचेगा रूट टू प्लस वन सिक्सटीन की जगह पे बचेगा रूट टू प्लस वन तो ये बाहर आके हो गया सिक्सटीन रूट टू रूट टू प्लस वन अपॉन फिफ्टीन नाउ दिस इज योर आंसर ठीक है तो आपने कुछ इसको इस फॉर्म में बनाया है आप अपना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते थे लेकिन हमने एलसीएम लिया रूट एट रूट टू कॉमन लिया फिर टू के साथ बाहर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर बचा रूट टू प्लस वन दिस इज योर आंसर ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये भी इंपॉर्टेंट था डिफरेंट टाइप का था चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो आप करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ में देखो ऊपर है साइन एक्स है वन प्लस एक्स डी एक्स तो अब यहाँ पे किस टाइप का करेंगे देखो साइन एक्स को पुट करते हैं तो कॉस एक्स आता है तो कॉस एक्स तो डीएक्स के साथ आना चाहिए है ना तो वही प्रॉब्लम है तो वो साथ में नहीं है तो इसलिए हम पुट करेंगे कॉस एक्स को पुट करेंगे t. तो t, x, तो पुट विद रिस्पेक्ट टू इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इसका हो जाएगा डी टी बाई डीएक्स

x इज इक्वल टू पाई बाई टू तो वैल्यू होती है वो होती है जीरो तो की की तो अब t वैल्यू आ गई ठीक है इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं जब, जीरो था, तो थी, जब पाई था तो जीरो थी t की वैल्यू साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हो गया माइनस का डी टी नीचे हो गया वन प्लस टी स्क्वायर अब देखो यहाँ तो बहुत ही सिंपल है क्या हमने यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या पड़ा है में ए पर रखा है तो यहाँ पर भी वही है का स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा है ही वन बाय टैन इनवर्स एक्स लिमिट है फ्रॉम वन तो टू जीरो तो माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो माइनस इन्वर्स तो इन्वर्स जीरो के अंदर किसकी वैल्यू होती है की की अब की किसकी वैल्यू होती है की तो माइनस बाहर है ये हो गया जीरो माइनस ये खत्म ये हो गया फाइव बाई फोर तो माइनस माइनस प्लस आंसर कितना आ गया फाइव बाई फोर दिस इज योर आंसर ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स तो ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स अब देखो यहाँ पे आपका कुछ सब्सिट्यूट नहीं हो पा रहा है है ना यहाँ तो वी डोंट फील लाइक कि कुछ यहाँ सब्सिट्यूट करें जिसका ऊपर कुछ पड़ा हो ऐसा नहीं हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो ना हम इसको कोई ना कोई फॉर्म देंगे उसके बाद हम इसको सब्सिट्यूट करेंगे क्योंकि बोला है कि सब्सटीट्यूट करना है तो पहले तो हम इसको कोई ना कोई फॉर्म देंगे कैसे फॉर्म देते हैं एक तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को पहले हम फॉर्मूला वाली फॉर्म किसकी हेल्प से देते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो क्या होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो पहला स्टेप क्या था इसका मेक कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन फिर हाफ द फिशेंट ऑफ एक्स स्क्वाड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम एंड लास्ट वन मेक द फॉर्मूला अब ये सब कैसे यूज करते थे ये ध्यान से देखो आप तो ये मैंने बार बार पता नहीं कितनी बार इस चैप्टर में मेरे बार बार स्टेप्स मैंने लिखे हैं आई होप अब तक तो हो गए होंगे कैसे करना है पहले तो एक्स के कॉफिशेंट को वन बनाना है यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन ले लो तो क्या बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क् माइनस का एक्स माइनस का फोर ठीक है सारे साइन चेंज हो जाएंगे दूसरी चीज क्या होगी हाफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स एक्स का कॉफिशेंट का हाफ करो तो वन बाई टू उसका फिर स्क्वायर कर दो अब उसको एड और सब्ट्रैक्ट करना है इसी के अंदर तो क्या करेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये आ गया आपका एलसीएम ले लो वन माइनस सिक्सटीन ठीक है 17 हो गया आपका तो एक्स माइनस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस सेवनटीन बाय फोर तो रूट सेवनटीन बाय टू का स्क्वायर लिख सकते हैं है ना तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस जीरो टू, टू, टू एक्स प्लस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस रूट सेवनटीन बाय टू का स्क्वायर तो अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इस टाइप का कि ये होता है में फॉर्मूला बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां एक्स होना चाहिए यहाँ एक्स प्लस टू है तो यहाँ पे अब हमारी सब्सटीट्यूशन यूज होगी ठीक है तो यहाँ हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे हम लिखेंगे पुट एक्स प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू टी

तो यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे सॉरी एक गड़बड़ हुई है यहाँ पे x माइनस वन बाई टू है तो यहाँ में माइनस आएगा माइनस माइनस तो ये हो जाएगा जब जीरो था तो ये होगा आपका जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन बाई टू ठीक है और जब यहाँ पे था तो ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस वन दैट इज थ्री बाय टू ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री बाय टू और ये होगा माइनस का वन बाय टू ओके और यहां dx की जगह पे आ जाएगा डी टी यहां आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस रूट सेवेंटीन अपॉन में टू का स्क्वायर अब हम ये फॉर्मुला लगा देते हैं यहां पर माइनस वन अपॉन में टू ए वट इज ए ए इज रूट सेवेंटीन बाई टू ठीक है और यहाँ है लॉग अपॉन टी प्लस ए और लिमिट है आपकी माइनस वन बाय टू टू थ्री बाय टू ठीक है सॉल्व कर लेते हैं ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन में रूट सेवेंटीन लॉग मॉड इसका एल्सिम ले लेंगे टू और नीचे भी एलसीम ले लेंगे टू टू से टू कैंसिल ऊपर आएगा टू टी माइनस रूट सेवेंटीन नीचे आएगा टू टी प्लस रूट सेवेंटीन और ये आ जाएगा माइनस वन बाय टू टू थ्री बाय टू अब इसको और सॉल्व करेंगे पहले हम अपर लिमिट डालेंगे ठीक है तो टी की जगह थ्री बाई टू पुट करेंगे

ओके okay, तो यहाँ आएगा वन अपॉइन्ट में रूट सेवेंटीन लॉग मॉड थ्री माइनस रूट सेवेंटीन थ्री प्लस रूट सेवेंटीन माइनस वन अपॉन में रूट सेवेंटीन लॉग मॉड माइनस वन माइनस रूट सेवेंटीन माइनस वन प्लस रूट सेवेंटीन ठीक है इसको और सॉल्व करके तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे अगर मैं यहाँ से दोनों से माइनस माइनस साइन कॉमन लेती हूँ और कैंसिल कर देती हूँ आपस में तो मुझे क्या मिलता है माइनस वन अपॉन रूट सेवेंटीन लॉग फर्स्ट एज इट इज मिलती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे के टर्म्स तो यहाँ जाएगी वन प्लस रूट सेवनटीन हो जाएगा 17 हो जाएगा वन माइनस रूट सेवनटीन हो जाएगा ठीक है नाउ अब दोनों तरफ क्या है लॉग एम बाई एन है ना ठीक है तो क्या हो सकता है यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन तो लॉग एम बाय एन हो सकता है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग m by n हो जाएगा ठीक है तो अब हम इसको क्या लिखेंगे माइनस 1 अपॉन में √17 एज इट इज log ये पूरा का पूरा ऊपर और ये पूरा का पूरा नीचे ठीक है अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा दिस वन इन टू यूपर चला जाएगा वन माइनस एंड ये हो जाएगा वन प्लस ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं so 3 3 17, 17, minus minus नीचे हो जाएगा थ्री प्लस रूट सेवेंटीन प्लस रूट सेवेंटीन प्लस सेवेंटीन और मिलेगा हमें ट्वेंटी माइनस फोर रूट सेवेंटीन फिर से ट्वेंटी प्लस टू रूट सेवेंटीन ठीक है और सॉरी थ्री एंड थ्री रूट सेवेंटीन आएगा तो ये हो जाएगा फोर ठीक है तो अब क्या करेंगे यहाँ पर एक पहली बात तो हम यहां से फोर कॉमन ले लेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास फोर बाहर फाइव माइनस रूट सेवनटीन फोर बाहर फाइव प्लस रूट सेवनटीन ठीक है एक तो फोर से फोर कैंसिल और ये क्या आ रहा है एक फॉर्मूला हमें ये भी पता है क्या होता है लॉग एम की पावर एन इज एन लॉग एम होता है है ना और यहाँ पे माइनस काफी टाइम से चल रहा है इसको भी हम क्या करेंगे एन लॉग एम है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन में रूट सेवनटीन लॉग इसकी पावर हो जाएगी माइनस का वन तो फाइव माइनस रूट सेवनटीन फाइव प्लस रूट सेवनटीन की पावर माइनस तो माइनस का मतलब क्या है? अब हम इसको क्या कर देंगे इनवर्स कर देंगे इसका तो इनवर्स कर देंगे फाइव प्लस रूट में फाइव माइनस रूट सेवनटीन अब इसका रैशनलाइज कर देंगे कर दो ठीक है अब होने के बाद क्या होगा ऊपर तो हो जाएगा फाइव प्लस रूट सेवनटीन का होल नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और नीचे आ जाएगा एट ठीक है तो ये आ गया आपको प्लस करके टू कैरी ओवर वन दिस इज फोर्टी टू प्लस दिस अब यहां से भी ऊपर क्या कॉमन आ रहा है ऊपर आ रहा है आपके पास टू कॉमन आ रहा है ठीक है टू कॉमन अंदर बच गया ट्वेंटी वन प्लस फाइव रूट सेवेंटीन और नीचे आ गया एट इसको इससे कैंसिल किया तो इस तरीके से आपने इसके अंदर बहुत सारा सॉल्व किया है बेसिकली इसके अंदर ज्यादा सॉल्व करना था और उसके बाद आपका आंसर था ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन तो अब करते हैं क्वेश्चन सेवन तो क्वेश्चन सेवन में भी, भी बिल्कुल वैसे तो ही तो पहला स्टेप मेक ऑलरेडी है फिर सेकंड स्टेप हाफ तो टू का हाफ क्या हो जाएगा वन फिर वन का स्क्वायर करना है वो भी वन तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वन फिर मेक द फॉर्मूला ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर B, और ये एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर का, हो गया। तो अब 2 का Now, x x कौन सा फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर डीएक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता था वन अपॉन में ए बट e. यहाँ पर एक्स नहीं एक्स प्लस वन है तो यानी कि लगेगा सो पुट एक्स प्लस ठीक है अब लिमिट्स को लगा दो ठीक है लिमिट्स के लिए वेन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन तो ये हो जाएगा टी हो जाएगा माइनस वन प्लस वन जीरोगा वन प्लस वन टू तो अब यहाँ पर पुट कर दो सब कुछ ये हो गया जीरो टू टू की जगह पर डी टी आपकी जीरो टू टू वन बाय टू बाहर ये हो गया टेन इनवर्स टू बाय टू माइनस टेन इनवर्स जीरो बाय टू तो ये तो हो गया वन ठीक है तो यहां आ जाएगा वन अपॉइन बाई टू टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो सॉल्व कर लेते हैं आगे ये आएगा वन बाई टू टेन इनवर्स टेन के अंदर वैल्यू किसकी होती है टेन फोर्टी फाइव की होती है और टेन इनवर्स के अंदर जीरो किसकी वैल्यू होती है टेन जीरो की वैल्यू होती है तो से टेन खत्म यहाँ आ गया फाइव बाई फोर से टेन ये आ गया जीरो तो ये आ जाएगा फाइव बाई एट दिस इज योर आंसर ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एट ये वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत अलग है ध्यान से देखना है इसको और इजी भी बहुत है देखो कैसे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दे रखी है वन बाय एक्स माइनस वन अपन में टू एक्स स्क्वायर ठीक है इस तरीके से दे रखा है तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम पुट क्या करें ठीक है जब कभी भी ऐसा होता है तो 90% क्वेश्चन में e की पावर जो होती है वो हम यहाँ पुट करते हैं तो देखो कैसे करेंगे पुट 2x is equal to t हो जाएगा 2 1 दिस इज dt by dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा dx is to dt by 2 ये हो गया ठीक है यहाँ से x की क्या हो सकती है वैल्यू t by 2 ठीक है ये आ जाएगी अनलिमिटेड्स भी लगा लो ठीक है लिमिट्स में

e की पावर t और dx एक्स की जगह डी टी बाई टू तो बाई टू वन बाई टू, टू में बाहर लगा देती हूँ तो ये हो गया टू टू फोर इसको हम लिख सकते हैं टू बाई टी माइनस टी का स्क्वायर बाय फोर एक कैंसिल कर दी ये हो गया टू अपॉन में टी स्क्वायर ठीक है और ये हो जाएगा ई टी डी टी यहां से आप टू कॉमन ले सकते हो बाहर वन बाई टू है ये हो गया टू 4 e की पावर t 1 by t minus 1 अपॉन में t स्क्वायर dt यस अब यहाँ आपको देखो तो 2 से 2 तो कैंसिल यहाँ आपको कुछ याद आ रहा है मैंने आपको एक बताया था e की यहाँ पर e की पावर अगर x होती है यहाँ पर f of x होता है ठीक है प्लस यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन पड़ा होता है तो हमारा आंसर क्या होता है e की पावर x एफ ऑफ एक्स ये हमने पढ़ रखा है तो यहाँ देखो वन बाय का डिफरेंसिएशन डायरेक्ट पड़ा हुआ है माइनस वन अपॉइन में टी स्क्टी इन टू वन बाई टी आपका डिफरेंसिएशन आ गया डायरेक्ट और लिमिट्स पुट कर देंगे टू टू फोर लिमिट पुट कर देंगे ठीक है अब टू टू फोर लिमिट पुट कर दो तो पहले होगी अपर लिमिट वन अपॉन में फोर माइनस फिर लोअर लिमिट ठीक है अब यहाँ से e की पावर टू आप कॉमन ले सकते हो e की पावर टू माइनस वन अपॉन में फोर एक मिनट यहाँ टू था ना हाँ यहाँ पे टू आ जाएगा सो यहाँ एलसीएम अगर फोर लिया है तो यहाँ आएगा टू ठीक है सो so हेयर e स्क्वायर इंटू ई e स्क्वायर माइनस टू अपॉन में फोर दिस इज योर आंसर ठीक है तो इस तरीके से आपने इसको करना है तो यहाँ पर मेनली ये वाला फॉर्मुला याद रखने की जरूरत थी दोबारा से फॉर्मुला याद रखना है ये था क्वेश्चन चलिए करते हैं क्वेश्चन नाइन्थ एंड तो टेंथ दोनों क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपने छोड़ने नहीं है इनको ध्यान से देखेंगे कैसे करना है सबसे पहले तो नाइन्थ क्वेश्चन देखो <clears throat> यहाँ पर क्या है यह है वन बाई थ्री दिस इज वन अब देखो यहां से हम कैसा इस तरीके से लेकर आए कि उसका वहां पड़ा हो है ना तो देखो x की पावर फोर्स से भी नहीं बनता तो हमें इसे थोड़ा सा ना सॉल्व करना पड़ेगा कैसे सॉल्व करेंगे अगर मैं इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लेती हूँ एक्स क्यूब कॉमन लेती हूँ तो यहां क्या बचता है यहां से x में से एक्स क्यूब कॉमन लो तो क्या बचेगा यहाँ पे वन बाय एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस का वन और इस पूरे पे क्या है वन बाय थ्री एक्स की पावर फोर dx ठीक है अब क्या होगा यहां हो जाएगा एक्स का क्यूब की पावर वन बाय थ्री और वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन बाय थ्री ये है एक्स की पावर फोर तो ये थ्री से थ्री कैंसिल एक एक्स बचा एक एक्स ने एक इसको काट दिया तो ये हो गया वन बाई थ्री टू वन वन अपॉन एक्स स्क्स वन की पावर वन बाय थ्री अपॉन में एक्स का क्यूब और ये हो गया डी एक्स अब यहाँ पर एक चीज देखो अगर मैं इस पूरे को टी पुट कर देती हूँ तो क्या होगा पुट वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी अब देखो इसकी क्या होगी x की पावर माइनस टू तो x की पावर n एन, एन, एन Uh, ये होता है ना डी डी पावर एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन है ना तो यहाँ पर अगर डी की पावर एक्स की पावर माइनस टू है तो माइनस टू एक्स की पावर माइनस थी एक्स तो क्यूब आएगा ठीक है तो इसकी करो डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगी माइनस का टू एक्स का क्यूब जीरो डी टी बाय डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई डीएक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस डी टी अपॉन में ये आ गया यहीं से ही आप लिमिट्स भी लगा लोन टू वन बाई थ्री तो टी कितना वैल्यू तो आ गई एट ठीक है When x is equals to one, तो one का square ये t की वैल्यू कितनी आ गई जीरो अब ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो ये हो जाएगा आपका एट टू जीरो टी की पावर वन बाय थ्री डीएक्स बाय डी थ्री क्या हो गया माइनस डी टी बाय टू तो माइनस बाहर और डी टी यहां पर लिमिट आ जाएगी आपकी एट टू जीरो हो गया टी की पावर फोर बाय थ्री अपॉन फोर बाई थ्री एट टू जीरो तो ये आ गया आपका फोर बाय थ्री तो ये हो जाएगा बाहर आके थ्री बाय फोर और ये हो गया टी टू जीरो माइनस एट की पावर फोर बाय थ्री ठीक है दिस इज माइनस थ्री बाई एट दिस इज माइनस टू का क्यूब लिख सकते हैं इसको है ना तो थ्री से थ्री कैंसिल माइनस थ्री बाई एट इन टू माइनस टू टू की पावर फोर टू टू सा फोर फोर टू जू जिक्सटीन ठीक है, इसको इसे कैंसिल किया माइनस माइनस प्लस एंड थ्री टू सा सिक्स सो वट विच इज द ऑप्शन सो ऑप्शन ए इज करेक्ट एक मिनट तो इसका आंसर आ गया आपका सिक्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है नाउ ये है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ सो क्वेश्चन नंबर टेंथ में देखो क्या है जीरो टू एक्स ठीक है टी एक्स टी डी टी अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही है ठीक है देन एफ टैश एक्स कितना होगा ये हमें क्या पूछा गया एक तरीके से ये हमें पूछा गया इसका इंटीग्रल पूछा गया है ठीक है एफ टैश एक्स पूछा गया है तो हमें पहले क्या करना है हम पहले इसको आईलेट के रूल से इसको ओपन कर लेंगे हम पहले तो ठीक है तो आई लेट तो ये तो हो गया आपका अलजेब्रिक ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक तो ये हो गया u और ये हो गया v पहले तो हम उसके रूल से ओपन कर लेंगे इसको ठीक है तो पहले फंक्शन लिख देते u v क्या लिखते हैं u v डी एक्स माइनस यू वी डी एक्स डी बाई डी एक्स और ये हो जाता है होल इंटीग्रेशन ठीक है अब इसी के रूल से इसको ओपन कर लेंगे हम यहाँ पर दिस इज t साइन t डी टी तो ये हो जाएगा टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस टी डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन साइन टी डी का इंटीग्रेशन हो गया खत्म ये इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा माइनस का टी तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा टी डी टी ठीक है और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ है टी कॉस्टी और कॉस्ट का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास साइन टी ठीक है ये आ जाएगा साइन टी और यहां पे अब जो हमें वैल्यू दी गई है ये हमें लिमिट्स दी गई है जीरो टू एक्स ठीक है तो अब यहां पे हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर तो पहले अपर फिर माइनस लोअर तो ये हो जाएगा जीरो माइनस लोअर जीरो प्लस साइन जीरो तो ये हो गया आपके पास साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स ये तो हो जाएगा जीरो और जीरो खत्म ये आ गया आपके पास एक्स कॉस एक्स तो ये क्या बन गया ये आपका बन गया फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स आ गया है ना फंक्शन आ गया है आपका ये आपने सॉल्व किया ना ये सॉल्व किया अब आपने इसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है सो अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स और इसके डेरिवेटिव के लिए यूडॉट भी लग जाएगा

cos cos x x x x minus minus plus x, sin x, and minus plus and cancel तो इस तरीके से हमने f of x निकाला फिर f dash x निकाला है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ थैंक यू that's ऑल फॉर दिस video नेक्स्ट video में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज